गुड इवनिंग एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है कोडोन एग्जाम अपडेट के इस पांचवें एपिसोड में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी और बायोइन्फॉर्मेटिक्स में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीबीटी के लिए और इसमें कैसे स्कोर करें। दूसरा टॉपिक है कि जो आपका कुछ क्वेश्चन आंसर है उसको हमने लिया है कि आपके कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं जो आपने कमेंट बॉक्स में हमें लिखा है। आज 24 तारीख है यानी कि 3 से 4 दिन आपके पास है, तो पूरा इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी या बायोइन्फॉर्मेटिक्स का टॉपिक को कवर नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ टॉपिक्स को आप ज़रूर देख लें वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा आपके कुछ सवाल का जवाब। पहला सवाल है कि BOD और COD से संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं उसको कैसे बनाया जाए बायोरिएक्टर वालों से, इस पर मैं वीडियो बनाऊँ। दूसरा है कि बुक ओपन नहीं हो रहा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप उससे जाएं NCIBB पे और वहाँ पे बुक डाउनलोड का एक ऑप्शन है, उसको चूज करें, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे, मैं अपडेट कर देता हूँ। तीसरा एक क्वेश्चन से लेकर सवाल है, आई होप कि आपका यही सवाल है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ओ एटम प्रेजेंट इन 88 ग्राम ऑफ CO2। आप सुबह 6 बजे का क्लास ज्वाइन करें जहाँ मैं जनरल एप्टीट्यूड का क्लास लेता हूँ सुबह 6 बजे हर रोज, तो उसमें आपको इसका सॉल्यूशन कल सुबह की क्लास में मिल जाएगा। मैं लाइव आता हूँ, आप सब ज्वाइन करें ज़रूर, उससे आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है बायोइन्फॉर्मेटिक्स का, बायो प्रोसेसिंग का क्या है, तो वो मैं बताता हूँ। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है और किस तरह का क्वेश्चन DBT में आते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स से और बायो प्रोसेसिंग से। सबसे पहले अगर सिलेबस की बात करें तो इसमें सबको क्या पढ़ लेना चाहिए, आपको डाटा सर्च जो है, डाटाबेस सर्च, इसको आप ज़रूर पढ़ लें। दूसरा है कि स्कोरिंग मैट्रिक्स, जैसे ब्लूसूम आता है, पेयर वाइज अलाइनमेंट, ये वाला पूरा पढ़ लें, जैसे कि MSA है, कंपेरेटिव जीनोमिक्स है, फाइलोजेनी है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद आप प्रोटीन पढ़ लें, प्रोटीन का डाटाबेस पढ़ लें, इसमें स्ट्रक्चर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी वो पढ़ लें, और DNA एंड RNA का सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर को कैसे पता करते हैं या उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, इसको ज़रूर पढ़ लें। इतना अगर आप कर लेंगे तो कुछ क्वेश्चंस आपके बायोइन्फॉर्मेटिक्स और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी से बन जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं बायोकेमिकल इंजीनियरिंग या इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग एंड डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, इन दोनों से, और बायो प्रोसेस प्लांट डिजाइनिंग, इनसे क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर। अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो ये टॉपिक आप कवर कर पाएंगे। तो इतना टॉपिक कम से कम आप 3 दिनों में देख लें ताकि ये आपका सिलेबस कवर हो सके और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप बना सकें। चलिए देखते हैं कि DBT में इससे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्टर जीन कैन बी यूज फॉर रियल टाइम विजुअलाइजेशन ऑफ लिविंग सेल्स टिश्यू इन ट्रांसजेनिक प्लांट। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा GFP। दूसरा है, विच सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स शुड यू प्रीफर टू फाइंड डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्थोलॉग्स थ्रू ब्लास्ट सर्च। इसका क्या होगा? ब्लॉसम 40 एंड पैम 250। अभी हमने बताया था स्कोरिंग मैट्रिक्स पढ़ने के लिए आपको, वो आप पढ़ लें, उससे ये सवाल बन जाएगा। इसके बाद है कि मैच द फॉलोइंग, तो कैसे मैच करेंगे इसमें हम लोग, जैसे कि UPGMA है, तो ये किसके लिए काम आता है? ये आता है आपका फाइलोजेनेटिक ट्री में। इसके बाद ClusterW है, ClusterW कहाँ काम आता है? मल्टीपल सिक्वेंस अलाइनमेंट है ये। SwissPort क्या है? SwissPort आपका प्रोटीन सिक्वेंस डाटाबेस है। अब क्या बच गया? RASMOL, ये क्या है आपका? 3D स्ट्रक्चर विजुअलाइजेशन होता है इससे। तो इसका डिटेल एनालिसिस पढ़ने के लिए कि कैसे बनता है और ये क्या है, तो सुबह आप 6 बजे का क्लास ज्वाइन करें, मैं इसको भी उसमें इंक्लूड करूँगा कल सुबह के क्लास में और आपको बताने का प्रयास करूँगा। इसी तरह से अगर बायोकेमिकल इंजीनियरिंग या इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल यूज एज ए बायो प्लास्टिक्स, कौन सा यूज होता है? इसका आंसर सी होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। ए ट्रिंकलिंग फिल्टर यूजफुल, किसके लिए यूज होता है ये? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। इसके बाद है ए डबल स्पायरल हीट एक्सचेंजर इनडायरेक्ट हीट एक्सचेंजर। इसके बाद है द इम्पॉर्टेंट ऑफ ईस्ट एक्सट्रैक्ट इन ए इंडस्ट्रियल फर्मेंटर इज, किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? एक्ट एज ए विटामिन एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट सोर्स। इस तरह के कुछ क्वेश्चन मैं आपको अभी दे रहा हूँ, आप इसको बनाएं और अगर ये नहीं बनता है तो सुबह मैं इसका एक्सप्लेनेशन बताऊँगा। अभी आप ट्राई करें, क्वेश्चन को एंजॉय करें और फिर आपसे सुबह हम मिलते हैं। तो आप ज़रूर जो है सुबह क्लास ज्वाइन करें, मैं लाइव आता हूँ, आप वहाँ पे सवाल जवाब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसी तरह कोडोन वैल्यू से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।